दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे इस लैरिंगो स्कोप के बारे में कि इसका काम क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। तो पहले मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे सेट किया जाता है, लेकिन मैं अभी भी एक बार और फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हैंडल है, ये ब्लेड है, ब्लेड को ऐसे रखेंगे, इसको पुट कर देंगे, सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज बेसिकली जिसे गले से जुड़ी हुई समस्याओं को जाँच करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन देने के लिए हम ईटी ट्यूब जो है उसके सांस के नली में डालते हैं, जो ये इंटरट्यूबुलर ट्यूब हमारा है, इसको डालने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं, इसकी सहायता है, बगैर हम इसको नहीं डाल सकते। हमारा जो ट्यूब डालने के लिए मदद करता है, इसमें लाइट का सोर्स है, इसको जो हम गले में डालते हैं तो पूरी अच्छी तरह से जो है ट्रेकिया, जो सांस की नली होती है, जो हम सांस लेते हैं, वो प्रॉपर दिख जाती है, तो उसी सांस की नली में हम ये ट्यूब डाल